उम्र का फार्मूला अब नहीं है। अभी मेरी उम्र है 78 और पार्टी ने 80 के पार भी बोल दिया है, इसलिए मैं उपयुक्त हूँ, योग्य हूँ। कपन्ना में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता कुसुम महंदेले चुनाव लड़ने वाली हैं। जी हाँ, जो सवाल इसे भी खड़े होने लगे हैं, काहे के हाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी करी है मध्य प्रदेश में विधानसभा के उम्मीदवारों की, उनमें कई सारे पुराने वरिष्ठ नेताओं को जगह दे दी गई है और यही से अब एक बार फिर से पन्ना में पूर्व मंत्री कुसुम महंदेले ने दावेदारी ठोक दी है। वो जी चुनाव नजदीक आ गए हैं, 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आपके द्वारा डिमांड की जाएगी टिकट की या पार्टी पर निर्भर होकर चुनाव की तैयारी की जाएगी? पार्टी से हम डिमांड भी करेंगे और तैयारी हमारी पूरी है। क्योंकि रूलिंग विधायक हैं, मंत्री हैं वर्तमान में, टिकट की प्रबल दावेदार हैं और उम्र का फार्मूला अब नहीं है। अभी मेरी उम्र है 78 और पार्टी ने 80 के पार भी बोल दिया है, इसलिए मैं उपयुक्त हूँ, योग्य हूँ। अगर पन्ना से टिकट नहीं दी जाती पार्टी ओर से आपको, तो क्या दूसरे ऑप्शन खुले रहे, दूसरे विधानसभा जा सकती है पार्टी भेजती? वैसे हमारी प्राथमिकता तो पन्ना के लिए है, फिर पार्टी की आज्ञा शिरोधार्य है और मुझे आशा है कि पार्टी मुझे उपयुक्त समझेगी तो पन्ना से ही टिकट देगी। अच्छा, टिकट नहीं मिलती है तो? टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी जो आज्ञा देगी मैं करूँ, जो उसका हम पालन करेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक लीडर भी यहाँ पे आपके पास आए थे, मिलके भी गए हैं। जी हाँ, आए। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आपके दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या हमारे यहाँ नायक जी आए थे, मुकेश नायक हमारे पुराने मित्र हैं, क्योंकि उनके भाई यहाँ पर CMO थे, BDO थे, तो बगल में उनका ऑफिस था, वो राजू भैया के दोस्त हैं तो वो आते रहते हैं, तो उस दिन भी आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। क्या उन्होंने टिकट का ऑफर दिया आपको? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे यहाँ चाय पीने आए थे। कांग्रेस अगर टिकट का ऑफर देती है और BJP आपको टिकट नहीं देती, ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे? हम BJP को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, पार्टी नहीं छोड़ेंगे? पार्टी हमारा छोड़ने का कोई विचार नहीं है और पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं, और पार्टी हमको टिकट देगी। कांग्रेस 50% कमीशन की सरकार बता रही है शिवराज सरकार को, आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ उनके कार्यकाल पे मंत्री भी रह चुकी हैं, आपको कैसे देखते हैं आप उसको? भाई हमने कभी कमीशन लिया नहीं, इसलिए कमीशन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखा जाए, टिकट की प्रबल दावेदारों को देखा जाए और वर्तमान चुनाव के परिवेश को देखा जाए, क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं या फिर कुछ पार्टी मतलब हेराफेरी हुई है, या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सा नीचे रखा गया? हाँ, पिछले समय में तो रखा गया है, लेकिन अब पार्टी ने अपनी नीति बदली है, तभी उम्र का बंधन हटाया है, और यहाँ नहीं हटाया, कर्नाटक में भी हटाया है, अन्य प्रदेशों में भी हटाया है, तो इसका मतलब है कि पार्टी चाहती है कि वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए, तो पार्टी मुझे मौका देगी। आप भाजपा की कद्दावर नेता हैं और लेकिन पिछले दौर पे देखा गया है कि पार्टी आपको दरकिनार, या यूँ कह रहे हैं कि आप पार्टी कार्यक्रमों में जा नहीं रही है, क्या पार्टी ने पिछले समय में 75 का फार्मूला बनाया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 75 की उम्र होने पर टिकट काटा गया था, लेकिन अब वो 75 का फार्मूला ख़त्म कर दिया गया है, तो इसीलिए पार्टी हमें टिकट देगी। 75 के फार्मूला का मतलब ये तो नहीं है कि स्थानीय कार्यक्रम में एक वरिष्ठ नेता को ना बुलाया जाए? अब इसके बारे में तो आप माननीय BD शर्मा जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, और माननीय है तो वर्तमान विधायक जी मंत्री से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। पन्ना में वर्तमान में बिजेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कुसुम महंदेले को पिछली बार टिकट काट के बिजेंद्र प्रताप सिंह को दागो, तो एक बार फिर से कुसुम महंदेले ने अपनी दावेदारी ठोक के पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। पन्ना से हमें साहू बुंदेली बौछार किलाने। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।